नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत काड़ी गांव में आज हत्या के आरोपी को पकड़ने गई सतना जिले के रामनगर थाना पुलिस के ऊपर आरोपी के परिजनों सहित ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें रामनगर थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं ग्रामीणों ने लाठी डंडों के साथ पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करते हुए लूट की वारदात को भी अंजाम दिया है, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों के मोबाइल सहित 5,000 की लूट हुई है, जिस पर लौर थाना पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। बीते दिनों सतना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में बकरी चोरी करने गए गिरोह के सदस्यों द्वारा चरवाहे की हत्या की गई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा जांच करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की गई। तब रामनगर पुलिस को रीवा जिले में रह रहे एक आरोपी के बारे में जानकारी लगी, जिसके बाद हत्या के अपराध में शामिल आरोपी को पकड़ने के लिए रामनगर थाना पुलिस रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत काड़ी गांव पहुंच गई, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार चलते समय आरोपी के परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें रामनगर थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद तत्काल घटना की जानकारी लौर पुलिस को दी गई। तब लौर थाना पुलिस के द्वारा मामले पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए पुलिसकर्मियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ पहले तो ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद 3 पुलिसकर्मियों के मोबाइल सहित 5,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल रामनगर थाना पुलिस जब आरोपी को लेकर चलने लगी, तब पहले तो ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को पंचर कर दिया और बाद में लाठी डंडे के साथ पुलिसकर्मियों पर हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। लौर थाना क्षेत्र के एक गांव है, जंगलों और पहाड़ों के बीच में है। उस गांव में सतना पुलिस आई थी और सतना पुलिस ने एक बकरी चोर गैंग का अभी पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। उनके यहाँ घटना घटी थी बड़ी, रामनगर थाना क्षेत्र का फोर्स था, वो गए थे वहां। तो उस गांव में जब वो कार्रवाई कुछ करना चाह रहे थे, तो उसी समय गांव के कुछ लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, जिससे उन्होंने लौर थाने प्रकरण पंजीबद्ध करा दिया गया है। लौर थाना लगातार इसमें प्रयास कर रहा है कि इसमें कौन कौन आरोपी गण थे जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। लौर थाना प्रभारी के द्वारा बल लेके और गांव का भ्रमण भी किया गया, पतासाजी भी लगाई गई। अभी जिन लोगों के बारे में थाना रामपुर के फोर्स के द्वारा अवगत कराया गया था, उन लोगों को अभी तलाश किया जा रहा है, पतासाजी की जा रही, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। सर, जानकारी लग रही है कि पुलिस की गाड़ी भी पंचर कर दी गई और उन पर हमला भी किया गया, जिसमें TI भी घायल हुए हैं। नहीं, जो मैं बताया उसमें से कुछ लोगों को मामूली चोट आई है और कुछ अभद्रता की गई है, इसके कारण से 353 और बलवा का प्रकरण कायम करके विवेचना में लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 5,000 की लूट और मोबाइल भी, इस तरह के तथ्य भी आए नहीं है। पुलिस लगातार इस संबंध में जांच कर रही है, सतना पुलिस के संपर्क में लगातार। कितने लोगों को इसमें सतना पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि करीब गांव के 5-7 से ज्यादा लोग कुछ ग्राम देते और कुछ अन्य लोग भी थे, इस तरह से करीब 15-20 से ज्यादा अधिक लोग थे, उनको आरोपी बनाया गया। जिस आरोपी को पकड़ने गए थे वो किस घटना से? वो उनको लग रहा था कि वो बकरी चोरी की जो घटना है, बकरी चोरी वाले गैंग की जो घटना है करने वाला है, उससे उसके कुछ तार जुड़े हुए हैं। उससे एक आरोपी को, जिसका भी नाम बताना उचित नहीं है, उसको पतासाजी करने के लिए पुलिस गई हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। YouTube में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।